दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे। यहाँ पर क्या है, लॉग 100 जीरो माइनस 0.1 इज इक्वल टू एम। ओके, एम भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, तो वैल्यू निकालनी है एम की, एम इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। ये जो बेस पे है, बेस यहाँ पर क्या है, 100 है। बेस का क्या होता है, बेस की पावर चला जाता है यहाँ पर जो इक्वल टू की इस साइड, यानी राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होती है, वैल्यू की जगह पर यहाँ पर 2, 3, 4 जो भी होगा वो यहाँ पर बेस के पावर में चला जाएगा, यानी बेस के पावर में। ओके, जो भी वैल्यू होती है, सो राइट हियर 100 पावर एम इक्वल टू ये यहाँ पर चला जाएगा, यानी 0.1। ओके गाइस, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो इसको लिखिए 1/10। ओके, अब सो गाइस यहाँ पर 100 एम है, तो इसको क्या लेंगे, 10^2 एम। ओके, क्यों, क्योंकि 10 × 10 इक्वल टू 100 आता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 1/10 है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 10 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पर पावर में क्या है, 1 है, तो अभी जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी रेसिप्रोकल होगा, जस्ट उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 - 1 चला जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर दोनों बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1/2 इज द राइट आंसर। आई होप गाइस इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए।